तो आज हम लोग देखेंगे ज्वाइन। तो ज्वाइन कितने टाइप के होता है, एक हो गया सिंपल इनर ज्वाइन, अपने साथ ज्वाइन किया सेल्फ ज्वाइन, एक हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक हो गया राइट आउटर ज्वाइन और एक हो गया आउटर ज्वाइन। तो बेसिकली ये सारे टाइप्स ऑफ ज्वाइन, ज्वाइन कैसे लिखा जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग ये सीखेंगे ये ज्वाइन एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है। अगर वो हम लोग सीख गए, कितने भी टेबल से डेटा निकालना हो आराम से हम लोग वो निकाल सकता है। तो चलिए वो देखते हैं। सपोज एक हम लोग के पास एक टेबल है एम्प्लॉई, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई के साथ, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज है, उनके फर्स्ट नेम है और डिपार्टमेंट आईडीज है। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है कहाँ से आ रहा है, एक टेबल है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है। तो पहला चीज ये है हम लोग ज्वाइन यूज कहाँ करेंगे। अगर हमें बोला जाता है एम्प्लॉय के नेम के साथ उसके डिपार्टमेंट का नेम डिस्प्ले करना है, तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय का नेम एक डिफरेंट टेबल में, डिपार्टमेंट का नेम एक डिफरेंट टेबल में। तो दो डिफरेंट टेबल से डेटा कैसे मिलेगा, दो डिफरेंट टेबल को ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ ज्वाइन कर सकता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो हम लोग ज्वाइन से लिखते हैं वो सारे हम लोग सब क्वेरी से भी लिख सकते हैं। तो सब क्वेरी हम लोग डिफरेंट एक वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज्वाइन कैसे करें। तो अभी हमें देखना पड़ेगा जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे। तो पिछले वाले स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि कैसे उसका सिंटैक्स लिखा जाता है। तो अब हमें अगर इस दो टेबल को ज्वाइन करना है तो पहला चीज हमें क्या देखना पड़ेगा, दोनों टेबल के बीच में कॉमन चीज क्या है। तो कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे एक है डिपार्टमेंट आईडी। तो ये कॉमन कैसे हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की और फॉरेन की का। जहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट टेबल में हमारे डिपार्टमेंट आईडीज है 101, 102, 103, 104, वहीं पे एम्प्लॉय टेबल से जो डिपार्टमेंट दिख रहा है तो वो सारे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल से आ रहे हैं। तो अभी हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की बैंक घुसते नहीं है क्योंकि एज्यूम करते हैं कि वो हमें पता है। तो अब ज्वाइन कैसे किया जाए, तो ये हो गया सिंपल सिंटैक्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एलियास दे सकते हम लोग E1, ज्वाइन डिपार्टमेंट, एलियास दे देते हैं D, यहाँ पे गलती से E1 लिख दिया है तो वो E है। उसके बाद ऑन E.DepartmentID इक्वल टू D.DepartmentID। तो ये हमारे क्या कर रहा है, दो टेबल को ज्वाइन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट का, दोनों का मैच करके। तो ये जब क्वेरी लिखेंगे मेन चीज होता है ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, बैकएंड में कैसे प्रोसेस करता है। तो कैसे प्रोसेस करता है ये अगर हम लोग सीख गए, उसके बाद दुनिया में कुछ भी ज्वाइन हम लोग को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो पहला चीज है हम लोग को ये समझना पड़ेगा कुछ भी क्वेरी लिखते हैं तो उसका आउटपुट भी एक टेबल ही होता है। तो जब हम लोग ज्वाइन करेंगे इसका आउटपुट भी एक टेबल होगा, तो वो टेबल क्या होगा, कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। तो पहला चीज है कितने कॉलम्स होंगे, कितने कॉलम होंगे, एम्प्लॉय टेबल में जितने कॉलम है प्लस डिपार्टमेंट टेबल में जितने कॉलम है। क्या क्या है वो, E.EmployeeID, E.FirstName, E.DepartmentID, D.DepartmentID, D.DepartmentName और D.Salary। पहले ये चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे छह कॉलम आ जाएंगे, तीन एम्प्लॉय टेबल से, तीन डिपार्टमेंट टेबल से। अब कैसे इंटरनली वो प्रोसेस करता है, तो पहले क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है 101 वो मैच करेगा डिपार्टमेंट टेबल के सारे रो के साथ। पहले देखेगा डिपार्टमेंट आईडी फर्स्ट रो के साथ मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे एक रो एंटर कर देगा, क्या, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, फिर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट का सैलरी। ठीक है, उसी 101 को वो फिर दूसरे रो के साथ मैच करेगा, 102 के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 103 के साथ, नहीं कर रहा है, 4 के साथ, नहीं कर रहा है। फिर एक राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड में क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से सेकंड रो उठाएगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी है 102 को वो मैच करेगा किसके साथ, डिपार्टमेंट टेबल के फर्स्ट रो के साथ। 101 के साथ मैच कर रहा है, नहीं, 2 के साथ मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। तो क्या होगा, एक रो एंटर हो जाएगा, 2 विप्लव 102 HR और यहाँ पे नल, क्योंकि यहाँ पे डी सैलरी नल है। फिर वो क्या करेगा, नहीं, इसमें आप अगर सोच रहे हो एम्प्लॉय में करेगा, नहीं, उसके साथ फिर से डिपार्टमेंट का 103 के साथ कंपेयर करेगा, नहीं मैच कर रहा, 4 के साथ कंपेयर कर रहा, नहीं मैच कर रहा। फिर
तो थर्ड जो एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट आईडी है 101, तो उससे मैच करेगा किसके साथ, डिपार्टमेंट आईडी 101 के साथ, तो मैच हो गया। तो फिर एक रो एंटर हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी क्या है 3, नेम डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। फिर उसको वो बाकी सब के साथ कंपेयर करेगा, 101 को 102 के साथ, 103 के साथ, 104 के साथ, मैच नहीं किया। फिर अभी नेक्स्ट जाएगा फोर्थ रो जिसका डिपार्टमेंट आईडी है नल। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, फॉरेन की नल हो सकता है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहता है और नॉट नल रहता है, जहाँ पे फॉरेन की नल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का नल है, तो नल को कंपेयर करेगा किसी के साथ भी, वो तो मैच नहीं करेगा, तो और ये कभी भी इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया जॉइन का कॉन्सेप्ट। अब हमें एक टेबल मिल गया, अब हमें कोई बोलता है कि भाई एम्प्लॉय का नेम दो, डिपार्टमेंट आईडी दो, डिपार्टमेंट नेम दो, सैलरी दो, कुछ भी दो, हम लोग निकाल के रख सकते हैं। कैसे? अगर हमें बोला जाए डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम देने के लिए, तो सॉरी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम देने के लिए, तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं यहाँ पे और नेम दे सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हमें बोला जाए एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, तो हम लोग क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा? डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट नेम डिस्प्ले कर सकते हैं, वहां पे एलियास देने का जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले करने का बात आया, तो वहां पे दो डिपार्टमेंट आईडी है, एक एम्प्लॉय का ई टेबल से यहाँ पे दिख रहा होगा और एक डी टेबल से, तो दोनों में से कोई एक भी हम लोग ले सकते हैं। तो क्या लेना है? कुछ भी, ई डॉट या डी डॉट, फिर डिपार्टमेंट नेम, तो उसमें डी डॉट भी डिपार्टमेंट नेम भी दे सकते हो या फिर डी डॉट नहीं देने से भी चलेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, क्या? अगर हमें बोला जाए सारे एम्प्लॉय का डेटा हमें डिस्प्ले करना ही है, यहाँ पे विराट क्यों छूट गया भाई? उसका डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या उसको डिस्प्ले नहीं करोगे? तो वो कैसे कर सकते हो? इनर ज्वाइन करेंगे तो होगा नहीं, तो उसके लिए कुछ दूसरा ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।